अब देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो जो बोलता है गधा उसके मुंह पर जाके सटा दीजिए। मैं ऐसे ही बात करता हूं, बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जीरो से यहां तक पहुंचा हूं और 40 से 50 हजार लोगों का लाइफ चेंज किया हूं। मैं नहीं दहाड़ूंगा तो क्या वो व्यक्ति दहाड़ेगा जो लाइफ में कुछ नहीं किया है, धरती पर भोज है? वैसा व्यक्ति बोलेगा कि मैं बोलूंगा। अगर उसको बोलना है पहले करके दिखाए। तो ये है आपका डेली नीड्स का प्रोडक्ट स्वदेशी। आइए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात। कोयले पर सरकार का एकाधिकार समाप्त, पिछले वीक का ये न्यूज है। डिफेंस में अब 74% FDI। आप देश के डिफेंस सेक्टर में, मैंने सही बोला, 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन की कंपनी आएगी। तो एक दिन पहले आपके फेसबुक में क्या क्या आया और आज देखिए ओरिजिनल फोटो, 3 दिन पहले का फोटो है, देख लीजिए। ये पेपर है 3 दिन पहले का। डिफेंस में 74%। कौन है वो बेवकूफ आदमी जो आपको कह रहा है कि भारत सरकार बंद कर दिया है सारा विदेशी प्रोडक्ट? अरे राफेल आ रहा है, AK-47, AK-56, 74% FDI। अब आगे आइए नेक्स्ट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 92 कंट्रीज एंड 48 फॉरेन विजिट्स किए पिछले कई सालों में। किस लिए गए थे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, देश में विदेशी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। और आपके आपने क्या कहा कि ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ? वो पागल नहीं है, उसने कहा वोकल फॉर लोकल, लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करो, जो देश में आके बना रहा है उसको भी सपोर्ट करो। और आप लोग विचलित हो जाते हैं आलतू फालतू लोगों से, मैट्रिक फेल लोगों से, टिकटॉकियन लोगों से आप लोग विचलित हो जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर पिछले 5-6 सालों से वो व्यक्ति कितना कंट्री जाकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केटिंग किया है, देख लीजिए। खुद कहते हैं कि आज जो लोकल है कल ग्लोबल बनेगा। तो जब लोकल को ग्लोबल आप बनाना चाहते हो, यानी बाकी वर्ल्ड में जाना चाहते हो, तो बाकी वर्ल्ड का प्रोडक्ट अगर यहां नहीं आएगा, नहीं आने दोगे, तो क्या तुम्हारे लोकल कंपनी को वो आने देगा? तो ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं है। ये पता है किसने कहा है? फेसबुक में, व्हाट्सएप में आपके दोस्त जो मैट्रिक फेल है, 5 क्लास पास किया है, वैसे लोग टिकटॉक में बनाकर एंड फेसबुक में बनाकर एंड व्हाट्सएप बना के वही बन गया प्रधानमंत्री से ऊपर का मंत्री, वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, और वो आपको विचलित करता है और आप विचलित होते हैं, आप परेशान होते हैं, क्योंकि आपके पास भी नॉलेज की कमी और उनके पास भी नॉलेज की कमी। बेवकूफ लोग आपको परेशान कर रहा है। तो लीजिए आपके स्क्रीन पर मैंने दे दिया सारा इंफॉर्मेशन, आगे देखते जाइए। मेक इन इंडिया सपोर्ट मिलना चाहिए, मैं स्वागत करता हूं मेक इन इंडिया को, मैं 100% सपोर्ट करूंगा मेक इन इंडिया। इसी के तहत एक कंपनी है टीएंस, जिसने मेक इन इंडिया किया, 90% प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया किया, उसके इंडियन हेड को, इंडिया के हेड को इंडियन बनाया, फॉरेन नहीं बनाया, फैक्ट्री के ओनर्स को इंडियन बनाया और इंडियंस को रिटर्न दिया 70 से 75%, गवर्नमेंट टैक्स, बोनस, अवार्ड्स, एम्प्लॉय का सैलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी मिला के उन्होंने 75% तक भारत में रिटर्न कर दिया। सोच के देखिए, दिस इज द पावर ऑफ टीएंस एंड दिस इज द पावर ऑफ मेक इन इंडिया, आप समझ सकते हैं। अब आपको पता चला कि क्या है नहीं है। और आज आगे बढ़िए, आप इस सीन को देखिए, मेक इन इंडिया एंड मेक ऑफ इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर बहुत बढ़िया से दे दिया गया है। टीएंस के 90% प्रोडक्ट भारत में बनता है और भारत में सोल्ड होता है, आप देख सकते हैं। पिछले 18 साल से भारत में कोने कोने में वो सभी लोगों को टच करता है, उनके दिल को, इंडियंस को, और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 7 लाख लोगों को भारत में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, साथ में हेल्थ एंड वेल्थ कॉन्सेप्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया भारत में,
ऐसे कंपनी के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अंतरात्मा से पूछिए और लोगों से पूछवाइए। नेक्स्ट सीन में देखिए, लेकिन हमको चाइना को नो बोलना चाहिए, बिल्कुल हमें भी चाइना को नो बोलना चाहिए, मैं भी बोलूंगा, लेकिन बोलने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को क्यों परमिशन दे दिया? अगले 6 महीना के अंदर वो अपना ब्रांच खोलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्ण रूप से आपके चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को ग्रीन सिग्नल ब्रांचेस खोलने के लिए। क्यों? आप से टू नो, से नो टू चाइना कौन बोला है? भारत के कोई मंत्री बोला है? भारत के प्रधानमंत्री बोला है? भारत के प्रेसिडेंट बोला है? हाँ, कौन बोला है? मैट्रिक फेल, 5 फेल, 3 फेल, कभी पढ़ाई नहीं किया है, अंगूठा छाप, टिकटॉकियन, फेसबुकियन, व्हाट्सएपियन, जिसको आप देखते हैं और आप उससे विचलित होते हैं। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किया। नेक्स्ट में आइए एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक का 1% शेयर चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को भारत सरकार ने दे दिया, सोच सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, आप जिस गाड़ी में चढ़ते, ओला, $50 मिलियन चाइना से इन्वेस्ट हो रहा है ओला में। सोचिए, खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। मैं जब बात करूंगा आपके मेंटर, आपके टॉप लीडर और टीएंस बिहार और झारखंड में जो इस टीएंस बिजनेस को लाया है, वो व्यक्ति आज आपको बोल रहा है यस, ओला में भी $50 मिलियन। तो आप सोच सकते हैं, अब भारत से चाइना कौन गया? चाइना ने दोनों हाथ से स्वागत किसको किया? आप देखिए, बढ़िया से देखिए, अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अब ध्यान दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक को चाइना ने बुलाकर अपने यहां ब्रांचेस खुलवाया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो कई सालों से वहां पर ब्रांच खोल के बैठा हुआ। तो क्या आप चाहते हैं कि वो सब वापस आ जाए टिकटॉकियन के बात पर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके ओला, ओयो, ओयो होटल्स, ओयो होटल्स $100 मिलियन इन्वेस्ट किया, 5 लाख रूम का, होटल का रूम का इन्वेंट्री बना लिया। किस शहर में, किस देश में? चाइना में। क्या आप चाहते हैं वो वापस आ जाए? नेक्स्ट, तो ये भारतीय एमएलएम कंपनी आप लोग विचलित कर रहा है। स्वदेशी अपनाओ, बढ़िया कंपनी में काम करो, इंडियन कंपनी में काम करो। मैं भी बहुत पसंद करता हूं, मेरे दोस्त लोग उन सभी कंपनी में अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूं, पसंद भी करता हूं, वो लोग हीरो है। लेकिन अभी तक मैंने आपको दिखाया टीएंस कंपनी क्या है, मैंने फिर दिखाया उसके कॉन्सेप्ट को, दिखाया हेल्थ एंड वेल्थ कॉन्सेप्ट को, दिखाया फिर मैंने दिखाया कि स्वदेशी मूवमेंट ओरिजिनल बेसिस क्या है, ओरिजिनल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, लॉजिक क्या है एंड टोटल इंफॉर्मेशन सत्य क्या है। लेकिन अब आता है इंडियन एमएलएम कंपनी जो आपको परेशान करता है। जैसा आपने कहा, मुझे तो पता नहीं, मेरे तो आसपास नहीं सटता है, मेरे पास सटेगा ना, मैं टीएनसीएन हूं, टीएनसीएन उड़ता हुआ शेर, उड़ता हुआ शेर दहाड़ूंगा ऐसा ना, ये चीटी लोग अंदर भाग जाएगा, ये जो चूहा लोग है ना, बिल के अंदर घुस जाएगा। हम लोग टीएनसीएन है, दहाड़ता हुआ शेर, फिर भी उसके बारे में आज नाम लेके आपसे बात करेंगे। 15 साल में पहली बार नाम लेके बात करेंगे। क्यों? फैक्ट्स एंड फिगर्स, लॉजिक एंड नॉलेज इज पावर। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए फ्यूचर मेकर एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कंपनी में दोनों का, कंपनी का मालिक एक, दोनों के यहां छापा पड़ता है और कंपनी बंद होती है। ऐसे इंडियन कंपनी में आप काम करना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, मुझे जानकारी की कमी है, आप प्लीज कर लीजिए काम, कोई दिक्कत नहीं। आपके दोस्त लोग, आपके प्रोस्पेक्ट लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो प्लीज उनको करने दीजिए, उनको मना मत कीजिएगा, उनके पास ज्यादा जानकारी। स्पीक एशिया, नीचे लिखा हुआ है स्पीक एशिया, एक कंपनी जिस जो इंडियन हेड इंडिया में काम किया, बिना पैन कार्ड के ज्वाइनिंग करवाया, टैक्स का नामो निशान नहीं था,
बंद हो गया। ऐसे कंपनी में काम करना चाहेंगे, चलो स्वदेशी कंपनी में काम करें, चलो करते हैं। क्या इस कंपनी में करेंगे? मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आपको शायद ज्यादा जानकारी होगा। देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट, ऐसे नाम बदलकर चल रही कंपनी, कभी सेफ शॉप और कभी सिक्योर लाइफ। 8,000 में घटिया सूट का कपड़ा बेचने वाला सेफ शॉप मार्केटिंग कंपनी पर पुलिस का छापा। ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, जैसा कि आप लोग खबर करते हैं, मुझे तो इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। देखिए, जानकारी की मुझे बहुत कमी है इस सब कंपनी के बारे में, आपको ज्यादा जानकारी है, मेरे पास बहुत कम जानकारी है, लेकिन मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मेरे पास लॉजिक है और मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो कि करेक्ट है, तभी मैं बता रहा हूं। ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे आपके प्रोस्पेक्ट्स? ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे? सिर्फ इंडिया में है इसीलिए इसी कंपनी में काम करेंगे और अपना लाखों करोड़ों डुबाएंगे? सिर्फ अपना ही नहीं, अपने जान पहचान के लोगों का पैसा को डुबाएंगे? तो स्वागत है आपका, वेलकम है, मैं नहीं करने वाला, आप करिए, आपके प्रोस्पेक्ट करें, नमस्ते, मुझे बहुत कम जानकारी। तीसरा, आप देखिए स्क्रीन पर, बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे काफी दोस्त इस कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए आपके लिए एक सवाल है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इनको टर्मिनेट क्यों किया? फ्रॉडुलेंट मार्केटिंग प्रैक्टिस के कारण, इनके लेटर बगल में दिया हुआ है। मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं तो ना टिकटॉकियन हूं ना मैट्रिक फेल हूं, मैं तो जो बात करूंगा आवाज में दम होगा, आग लगा दूंगा। सच्चाई परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और मैं सच्चाई के साथ 15 साल का इनिंग्स खेल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं सच्चाई के साथ काम करूंगा और आपको भी काम कराऊंगा सच्चाई के साथ, टीएंस के साथ। ये टर्मिनेट क्यों किया गया, खबर लीजिएगा आप जाकर, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास लेटर है, उसमें दिया हुआ है MLM नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के तहत इस कंपनी को बाहर किया गया, IDSSA। सोचिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक सुंदर सा कंपनी, नाम भी मोदी, बताइए, 100% स्वदेशी क्लेम करता है। मेरे एक दोस्त है 8-star लीडर, उनको कहता है कि यार तुम बाहरी कंपनी में पैसा भेजते हो, चाइना भेजते हो, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, क्या 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 क्या। और पता है, मैंने अपने दोस्त को कहा ये लो तोहफा और जाके उसके मुंह पे रख देना, मुंह के सामने, मैं ये तोहफा आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे जो कैमरा है अगर चालू हो गया है तो आप देख सकते हैं, आप बढ़िया से देख सकते हैं, ये है वो तोहफा, देखिए बना हुआ है, ये देखिए प्रोडक्ट, ये देखिए, ये है मोदी केयर का प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया, स्वदेशी कंपनी, जिसके नाम पर मेरे सभी टीएनसीएन को लोग विचलित करता है, ये है मोदी केयर। यहां लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, एक्सपोर्टेड बाय, मेड इन चाइना, ये है मोदी केयर, कहता है स्वदेशी, मंगवाता है चाइना से। ये देखिए, यहां पर मैं जहां उंगली रख रहा हूं स्क्रीन पे, मैं जहां उंगली रखा, मेड इन चाइना, आप देख सकते हैं मोदी केयर, ये रहा उसका नाम, आप देखिए, देख लिया आप, ये मैंने इसीलिए स्क्रीन आपका, ये जो मेरा जो कैमरा है इसको ऑन किया। आप झूठ क्यों बोलते हो? अगर आप सच्चाई के साथ चाइना से माल मंगवा रहे हो तो हिम्मत है तो बोलो कि मैं स्वदेशी नहीं हूं, मैं बोलूंगा स्वदेशी, बेचूंगा मेड इन चाइना। और टीएंस कंपनी देख लिए, ओरिजिन चाहे रशिया हो चाइना हो, मैं तो खुलेआम बोलूंगा चाइना है, क्योंकि मेड इन चाइना कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है मेड इन इंडिया। ये रहा मेड इन इंडिया टीएंस, देखिए ये है टीएंस, ठीक है, मेड इन इंडिया, देख सकते, ये देखिए चिटोसन, चाहे कोई भी सप्लीमेंट, ओमेगा लाइफ, कोएंजाइम, ये ओमेगा लाइफ, आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया। तो हम लोग इंडिया में बनाते हैं तो
तो मेड इन इंडिया बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ओरिजिन रशिया चाइना हो सकता है, माल बेचेंगे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जो सच है। लेकिन कतई ये नहीं कहेंगे कि स्वदेशी है, बेचेंगे मेड इन चाइना। बखिया उधेड़ दिया आज, क्यों? सच्चाई के साथ जीते। आग लगा देंगे, तियांशियन है, बार बार परेशान करोगे आग लगा देंगे। शेर है शेर, हमारे हर लीडर जो सुन रहे, शेर है शेर, तियांशियन, यस यू आर द बेस्ट शेर, झूठ नहीं आप लोग बोलते हैं। तो ऐसे इंडियन कंपनी में आप लोग काम करेंगे तो भैया नमस्ते, 300 रुपया का एक स्पायरोलिना और एक 3000 का स्पायरोलिना आपके स्क्रीन पर। हम कहते हैं कि हर कंपनी अच्छी होती है, हर कंपनी जितना तो मैंने नाम डाला वो सारे अच्छी कंपनी है, बस सच्चाई के साथ काम करें तो सब कुछ ठीक है, झूठ सिर्फ नहीं बोले बस, बाकी हर कंपनी अच्छी होती है। आप बाहर से प्रोडक्ट लाते हो बोलो, हम लोग इंडिया में बनाते हैं बोलेंगे, आप अपना काम करिए मैं अपना काम करूंगा, लेकिन परेशान करोगे तो तियांशी अपना औकात दिखाएगा, दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने पेश कर देगा। तो चलिए फिर से हम लोग जारी रखते हैं, बीच में अगर कभी फोन आता है फिर से तो हमको रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉप जनरल मैनेजर का फोन रहता है कभी कभी, तो उठाना पड़ता है। एनीवे, तो 300 रुपया का ये स्पायरोलिना और 3000 का अगर 50% रिटर्न कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा 150 रुपया का और ये हो जाएगा 1500 रुपया, बोनस के रूप में 50% रिटर्न कर। तो उसका कॉस्टिंग कितना आया, 150 एंड 1500। अनदर 10% अगर मान लीजिए रिटर्न कर देता है आपके एम्प्लॉइज को, रिवार्ड्स अवार्ड्स टूर्स के लिए, मीटिंग्स के हॉल के चार्जेस के लिए, रेंट के लिए, हर चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कुरियर के लिए, तो अनदर 10% चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रेंट, तो 10% टैक्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय का सैलरी और बाकी 10% रेंट का, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीज में, तो करीब करीब 30% बचा। तो ये 900 रुपया हो गया और ये कितना हो गया, 90 रुपया। लेफ्ट साइड में 90 रुपया हो गया और राइट साइड में 900 रुपया हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, क्या 90 रुपया में स्पायरोलिना बन सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी टॉप आपके प्लांट प्रोटीन, क्या बन सकता है, क्या बन सकता है? अगर बन सकता है 90 रुपया में, तो बेशक लेफ्ट साइड में आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको आप ले लीजिए, कंपनी चाहे वी से हो, एम से हो, ए से हो, किसी भी नाम से हो, आप ले लीजिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा थिंकिंग आ रहा है कि 90 रुपया में घास तो मिल सकता है लेकिन 900 रुपया में स्पायरोलिना मिल सकता है, 90 रुपया में स्पायरोलिना नहीं आ सकता है, तो राइट में टीएंस कंपनी का स्पायरोलिना है, जो कि अगर 900 रुपया भी रेट है, 800 रुपया भी है, तो 800 रुपया में पूरे वर्ल्ड में बढ़िया स्पायरोलिना ब्लू ग्रीन एल्गी मिल सकता है। तो आपको समझ में आया कॉस्ट क्यों आया? आपको रिटर्न भी चाहिए 80%, 70%, 60%, आपको अवार्ड भी चाहिए 19,80,000, 1 करोड़, 12,20,000, आपको टूर भी चाहिए फॉरेन का, लंदन का, ऑस्ट्रेलिया का, दुबई का, इंडोनेशिया का, और आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो टीएंस में आना होगा। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं, प्रोडक्ट चाहे कैसे भी हो, फालतू भी हो चलेगा, बस पैसा आना चाहिए, तो लेफ्ट वाला आपका है। मुझे थोड़ा जानकारी की कमी है इसलिए मैंने आपको दोनों चीज दे दी। सोचिएगा स्पायरोलिना आ सकता है क्या 90 रुपया में? अगर आ सकता है अपने घर में सबको पिलाइए खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि फॉरेन ब्रांड या चाइनीज ब्रांड को आप बॉयकॉट करो, ये सारे लोग आलतू फालतू लोगों का कहना है, मैंने प्रूफ कर दिया, और काफी परेशानी लोग करते हैं तो ये पेपर कटिंग चलाता है। लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पर हुआ ऑनलाइन ऑर्डर, क्या बात है? ऐसा है
तो नेटवर्क मार्केटिंग में इतना भयानक, जूम के जरिए काम करके इतना जबरदस्त, क्या बात है। यानी प्रोडक्ट में दम है ये बोलिए, मार्केटिंग प्लान में दम है ये बोलिए, कंपनी अच्छी है तभी लोग टिका हुआ है कि नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये है पावर। चलिए एक सवाल है आप सभी के लिए, एक जबरदस्त आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, एक जबरदस्त फोटो दिखा रहा हूं। आप जो लोग भी मैसेज कर रहे हैं आपके लिए वापस कर दिया, खींच लीजिए अपना स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं ठीक है। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने घर में जो फादर मदर भाई बहन जो भी है रिलेटिव, या आपके पेशेंट जिनको कमर में दर्द है, जिनको हाथ में दर्द है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, जिनके आंखों में कैटरक्ट है, जिनको मोतियाबिंद हो चुकी है, उनसे बोलिएगा कि मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन वो कंपनी का सोर्स जो है चाइना है, फॉरेन है, तो क्या आप इलाज कराना चाहेंगे? आपके आंख में मोतियाबिंद हो गया है, आप देख नहीं पा रहे हैं, लेंस जो है वो जर्मनी और यूएसए में बनती है, क्या आप लगाना चाहेंगे? आप बीमार पड़ गए, एलोपैथ मेडिसिन यूज करना है, तो आपको एलोपैथ मेडिसिन में 90% चाइना से रॉ मटेरियल आता है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स में तो 95%, क्या आप वो दवा लेना चाहेंगे? अपने फादर मदर जब बीमार पड़े तब ये पूछिएगा अपने आप से या उनसे। दूसरे के पेशेंट भी किसी का फादर और मदर है। तो दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी का ताकत नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ताकत नहीं है ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा मम्मी को अंधा रहने दो, हमको इलाज नहीं कराना है, मोतियाबिंद को ठीक नहीं करना है, क्योंकि लेंस जर्मनी और यूएस का है, विदेशी है, पापा मम्मी अंधा हो जाए चलेगा? ऐसा बेवकूफ लोग है क्या? नहीं है ना, तो आप बेवकूफ बनते जा रहे। अब देखिए, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, हम बीसीएम नहीं करेंगे, ठीक नहीं होंगे, हम मर जाएंगे, ऐसे लोग है क्या? कैंसर हो गया, 90% चाइना से रॉ मटेरियल बना हुआ प्रोडक्ट आता है एलोपैथ में, क्या आप इसको लेना चाहेंगे? नहीं नहीं, कैंसर से मर जाने दो, क्योंकि मैं तो स्वदेशी हूं। ऐसा कोई बेवकूफ पूरा ब्रह्मांड में नहीं है, तो आप क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? चलिए यही पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मैं समझता हूं कि स्वदेशी, चाइना, विदेशी, मेक इन इंडिया, वोकल, लोकल, आलतू फालतू जो भी आपके मन में था, आज मैंने आपका FOS डालकर क्लिंजिंग कर दिया।